तो साथियों, आज आपके समक्ष उपस्थित है ये अरावली का तेजी से उगने वाला एक छोटे आकार का वृक्ष, जिसे भारत में आसानी से खोजा जा सकता है। सर्दियों के अंत में इस पर सफेद रंग के फूल गुच्छों में नाचते से प्रतीत होते हैं। इसके फूलों को खिलते हुए देखना बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इसके फूल पूरे वर्ष में केवल 2-3 हफ्ते के लिए ही खिलते हैं, जो फरवरी के अंत में खिलना शुरू होते हैं और लगभग 10 मार्च तक सभी फूल झड़ जाते हैं। इसके फूल तेजी से झड़ते हैं, जिसके कारण इसके नीचे एक आकर्षक सफेद कालीन सा बिछ जाता है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं, जिसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिस कारण विषाणु इस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते और यह तेजी से अपना निर्माण कर लेता है। भारत में यह अजान वृक्ष के नाम से प्रचलित है, जो बोरागिनेसी कुल का सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम एरहेटिया लाविस है। हिंदी में इसे चामरोड, दातरंगा, तमोरिया या देसी पापड़ी भी कहते हैं, और संस्कृत में इसे चरमा वृक्ष, अजान या वदवर्णी कहा जाता है, तथा अंग्रेजी में इसे ओवेट लिव्ड आइवरी वुड कहा जाता है। साथियों, प्राचीन काल से ही महाराष्ट्र में इस वृक्ष को संस्कारित करके एक दर्द निवारक तेल का निर्माण किया जाता है, जिसे खंडू चक्का कहते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में अमूमन इसे खंडू चक्का वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष की लगभग 150 प्रजातियां हैं, जिसका फैलाव धरती के काफी बड़े क्षेत्र में आता है, जो भारत से लेके चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, लाओस, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम तक फैला है। इसकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक हो सकती है, इसलिए इसे छोटा पेड़ माना जाता है। इस पेड़ में हल्के भूरे या सफेद रंग की छाल के साथ अनियमित तना होता है। इसकी छाल को चबाने से मुंह लाल हो जाता है, जिस कारण इसे दतरंगा नाम दिया गया है। इसकी पत्तियां आकर्षक गहरे हरे रंग की होती हैं, जो आकार और आकृति में परिवर्तनशील होती हैं। एरहेटिया लाविस के फलों को ड्रूप के नाम से भी जाना जाता है। यह दबे हुए गोलाकार और लगभग 6 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं, जो शुरुआत में हरे और परिपक्व होने पर यह नारंगी लाल हो जाते हैं और अंत में काले होकर झड़ जाते हैं। साथियों, अजान वृक्ष एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, जिसका वर्णन हमें आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों में भी मिलता है। असल रूप में इसे आयुर्वेद का पेन किलर माना जाता है। जिस प्रकार हम एलोपैथी में पेन किलर टैबलेट्स का उपयोग करते हैं, जो हमारे दर्द को तो कम करती है, परंतु हमारे लीवर पर इसका घातक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत आयुर्वेद में पेन किलर के तौर पर इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। साथियों, आज के समय में देखा जाता है कि कामकाजी महिलाओं और पुरुषों में कंधे का दर्द और अकड़न एक आम बात है, जिसका असर उनकी रोजमर्रा की जीवन शैली पर पड़ रहा है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप अजान वृक्ष की पत्तियों को छाया में सुखा लें और 7 दिन के अंदर इसका पाउडर बना लें, और इस पाउडर को आधा आधा ग्राम खाने के बाद दिन में 2 बार लें। इस उपयोग से गंभीर दर्द भी 7 दिनों के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और साथ साथ इसकी ताजी पत्तियों को पीसकर दर्द वाले स्थान पर लगाने से भी लाभ मिलता है। यह एक लोक कथात्मक पौधा है, जिसे खंडू चक्का के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा विभिन्न रूपों के फ्रैक्चर और घाव भरने में भी किया जाता है। वर्तमान स्थिति में इसका उपयोग लेपन के रूप में किया जाता है। उपचार के बाद अवलोकन से पता चलता है कि एरहेटिया लेविस बिना किसी जटिलता के फ्रैक्चर और हड्डियों के विलंबित जुड़ाव के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार है। इसके अलावा इसकी ताजी जड़ का काढ़ा सिफिलिस के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। सिफिलिस यानी दर्द रहित छाले के रूप में शुरू होने वाला एक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण, जो सामान्य यौन संपर्क से फैलता है, और इसकी तना छाल का काढ़ा डिप्थीरिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होता है, जो नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। गहरे ग्रे रंग के पदार्थ की एक मोटी परत गले के अंदर जमना इसकी पहचान का मुख्य लक्षण होता है, और साथियों दूध के साथ लिए गए इसके सूखे फूलों का पाउडर कामोत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है। और क्योंकि यह तेजी से उगने वाला एक छोटे आकार का झाड़ी नुमा वृक्ष है और साथ ही भारत का प्राकृतिक पेड़ भी है, तो इसे बड़ी संख्या में रोडों पर आई रिफ्लेक्शन से बचने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे हमारे इकोसिस्टम का भी कुछ भला होगा। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि रोड के बीच में कनेर या बोगनविला के पेड़ों को ही लगाया जाता है, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी भी प्रभावित हो रही है। तो साथियों, इस सुंदर औषधीय वृक्ष पर ध्यान दें और इस वृक्ष को आप अपने बगीचों में या कहीं खाली स्थान पर लगाकर इसके लाभ उठाएं। यह पंछियों, तितलियों, मधुमक्खियों और छोटे कीड़ों को भी आकर्षित करता है, जिसके कारण इस वृक्ष में बायोडाइवर्सिटी को कायम करने की बहुत बड़ी क्षमता है। तो आपके घरों के आसपास अगर आपको यह
वृक्ष कहीं दिखाई दे तो इसका संरक्षण करें और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।